हेलो गाइस, तो इस वीडियो में अपन देख लेते हैं सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन को। तो अब जो सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन है वो उसमें भी अपन जो चीज़ें करते हैं वो सेम करते हैं, बस इसमें जो एक एडिशनल चीज़ अपन की जुड़ेगी वो है फीचर स्केलिंग। अपन को फीचर स्केलिंग जो मैंने आपको सिखाई थी वो करनी पड़ती है सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन में, ठीक। तो इसमें हम वो एडिशनल चीज़ भी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी सारी लाइब्रेरीज़ को इम्पोर्ट कर लेते हैं। आप उनको पता ही है, वो अपन ने इम्पोर्ट कर ली है। अब क्या करना है, अब मैंने ये डेटा सेट अपना लोड किया है डेटा डॉट सी एस वी, ठीक है। ये मैंने डेटा सेट अपना लोड किया है, और ये कौन सा डेटा सेट है इसकी भी आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और इस डेटा सेट में क्या क्या है पहले हम वो देख लेते हैं। तो अब अपना ये जो डेटा सेट है इसमें अपन को दिया है ATV AP RH and PE। अब ये जो ATV AP and RH है इन सब के बेसिस पे ये जो दी हुई है ना, ये एनर्जी दी हुई है। तो अपन को क्या करना है, इन सब के बेसिस पे एनर्जी को प्रेडिक्ट करना है, एनर्जी को, ठीक है। अपन को क्या प्रेडिक्ट करना है, एनर्जी प्रेडिक्ट करनी है इन सब के बेसिस पे। तो अपन एनर्जी को प्रेडिक्ट करने वाले हैं, ये अपना डेटा सेट है। टोटल अगर मैं बात करूं तो इस डेटा सेट में 10,000 के करीब ऑब्जर्वेशंस आपको मिल जाएंगी देखने को, है ना। अब जो वाई है, वाई को मैंने रीशेप किया है एक 2D एरे में, है वाई डॉट रीशेप लैन ऑफ वाई कॉमा वन, इससे वाई जो है हमारा 2D एरे में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अब मैंने अपने डेटा सेट को ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेट में स्प्लिट कर लिया। आपको पता है कैसे करते हैं, फ्रॉम एसकेलन डॉट मॉडल सिलेक्शन इनपुट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एक्स ट्रेन वाई टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट एंड, ठीक है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लिखा, एक्स जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो लिखा, कॉमा वाई जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो लिखा, टेस्ट साइज में दिया 0.2, मतलब अपना जो 20% ऑफ डेटा सेट है वो जाएगा टेस्ट सेट में और बाकी का 80% आएगा ट्रेनिंग में। रैंडम स्टेट 0 दी है, इससे क्या होगा कि जो जो मुझे देखने को मिलेगा सेम इफेक्ट आपको देखने पड़ेगा। जैसे अपन अगर मैं 20% इसमें टेस्ट सेट दे रहा हूँ तो जो सैम्पलिंग होगी मेरे में वही आपके में होगी, तो सेम रिजल्ट हमको देखने को मिलेगा अगर मैं रैंडम स्टेट 0 कर देता हूँ तो। बाकी एक्स एंड वाई में तो हमने डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लिए थे यहाँ पर, ये तो आपको पता ही है कैसे लेते हैं अपन, है ना। अब यहाँ पर जो मैंने कराई है वो कराई है फीचर स्केलिंग। इसमें अपन को फीचर स्केलिंग करानी पड़ती है, तो उसके लिए क्या लिखूंगा मैं, फ्रॉम एसकेलन डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर, जो अपन सीख चुके हैं फीचर स्केलिंग पहले। फिर मैंने स्टैंडर्ड स्केलर के दो ऑब्जेक्ट बनाए एक्स और वाई को स्केल करने के लिए, एक को स्टोर करा लिया एस सी एक्स में और एक को करा लिया एस सी वाई में। देन आपको पता ही है क्या करना पड़ता है, इनमें हम ऑब्जेक्ट स्टोर करा चुके हैं। अब ऑब्जेक्ट जब स्टोर करा लिए फिर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे जैसे मैंने लिखा एस सी एक्स डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, और फिर किसको ट्रांसफॉर्म कराना है, तो हमें अपने ट्रेनिंग टेस्ट को कराना है ट्रांसफॉर्म। फीचर स्केलिंग जो करा रहे हैं हम ट्रेनिंग टेस्ट पर करा रहे हैं, तो मैंने लिख दिया एक्स ट्रेन। फिर इसका जो इससे जो हमें रिटर्न होकर मिलेगा उसको मेरे को कहाँ स्टोर कराना है, एक्स ट्रेन में ही कराना है, तो मैंने लिख दिया एक्स ट्रेन। सो एक्स ट्रेन इक्वल्स टू एस सी एक्स डॉट फिट ट्रांसफॉर्म एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन इक्वल्स टू एस सी वाई डॉट फिट ट्रांसफॉर्म वाई ट्रेन। तो इससे क्या होगा, जो हमारे फीचर्स होंगे जब हम इसको स्टैंडर्ड स्केलर से स्केल कराएंगे, तो फीचर स्केलिंग से जो हमारे फीचर्स होंगे वो एक जैसे बन जाएंगे। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो अपना जो एक्स ट्रेन है वो एक्स ट्रेन अपना कुछ ऐसा बन गया, अब आप देख सकते हो जो हमारा एक्स ट्रेन है उसकी वैल्यूज ये हो गई। एक्चुअली इसके बारे में अपन ने पूरा डिस्कस किया था कि इसमें क्या होता है कि मीन को जीरो कर देते हैं अपन, है ना, और ये जेड स्कोर के बेसिस पे अपन चेंज करते चले जाते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से। ये अपन ने फीचर स्केलिंग में पूरा डिस्कस किया था, है ना। तो इसमें अपना जो मीन होता है वो कितना हो जाता है, 0, अगर अपन उसको स्टैंडर्ड स्केलर से करते हैं तो। तो आप देख सकते हो सारे फीचर्स फीचर स्केल हो चुके हैं। अब कुछ भी नहीं करना, आपको क्या लिखना है, फ्रॉम एसकेलन डॉट एस वी एम इम्पोर्ट एस वी आर, और अपन को मॉडल स्टोर करा लेना है। कैसे कराएंगे, रिग्रेसर इक्वल्स टू रिग्रेसर में मैंने अपना ऑब्जेक्ट स्टोर कराया एस वी आर, उसमें मैंने लिखा है कर्नल इक्वल्स टू आर बी एफ। अब ये जो कर्नल एस वी आर है, मैंने आपको बताया है जो एस वी एम है अपना सपोर्ट वेक्टर मशीन, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। अब इसमें एक कर्नल भी एक चीज़ आती है, उसमें मैंने दिया है आर बी एफ। ये सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, जब रिग्रेशन खत्म हो जाएगा तब हम क्लासिफिकेशन में पूरा इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी आप ये समझ लो इसमें मैंने कर्नल को क्या दिया है, आर बी एफ। फिर मैंने रिग्रेसर डॉट फिट में करा लिया अपना ट्रेनिंग सेट एंड टेस्ट सेट फिट। आप देख सकते हो कहाँ कराया, हाँ ये ट्रेनिंग
ट्रेनिंग एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन ये मैंने फिट करा लिया रिग्रेसर डॉट फिट में। तो अब क्या हो गया, हमारा मॉडल इससे क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा एक्स ट्रेन से वाई ट्रेन के हिसाब से। बस अपना मॉडल रेडी है, अब अपन को कुछ भी नहीं करना, प्रेडिक्शन करानी है। तो मैंने क्या लिखा, वाई प्रेड इक्वल्स टू एस सी वाई। अब देखो जैसे हम मैंने प्रेडिक्शन कराई तो मैंने क्या किया था, अब मेरी बात को समझना, अपन ने फीचर स्केल किए थे अपने फीचर्स है ना। तो जब फीचर स्केल अपन ने फीचर किए थे एक्स और वाई दोनों, अब जब उसका आउटपुट आएगा तो जो आउटपुट आएगा प्रेडिक्शन का वो भी फीचर स्केल के फॉर्म में ही आएगा। तो अपन को इनवर्स फीचर स्केल कराना पड़ेगा है ना, क्योंकि अपन ने जो जितने भी फीचर थे वो ओरिजिनल नहीं रहे ना, अब स्केल हो गए तो आउटपुट भी उनका स्केलिंग के हिसाब से ही आएगा। अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को उसको इन्वर्स करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले तो अपना जो एक्स टेस्ट है, अभी मैं आपको एक एक चीज इसमें बताता हूँ कैसे अपन करते हैं। अपन ने एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन इनको फीचर स्केल किया था है ना, एक्स टेस्ट इसको तो फीचर स्केल नहीं किया अपन ने, आप देख सकते हो इसमें तो ओरिजिनल वैल्यू है अपने एक्स टेस्ट में है ना। तो जब अपन प्रिडिक्शन कराएंगे तो अपन को सबसे पहले प्रिडिक्शन, जो अपन का मॉडल फिट हुआ है वो तो फीचर स्केल हुए फीचर्स के हिसाब से हुआ है ना, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन के हिसाब से। तो अपना मॉडल इस वैल्यू को तो एक्सेप्ट करके सही रिजल्ट देगा नहीं, अपन को स्केल वाली वैल्यू भेजनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन को जो अपना टेस्ट सेट जो अपन को प्रिडिक्ट कराना है तो उसको सबसे पहले अपन को ट्रांसफॉर्म करवाना पड़ेगा। तो मैंने लिखा एस सी अंडरस्कोर एक्स डॉट, जो हमारा ऑब्जेक्ट था, डॉट ट्रांसफॉर्म एक्स टेस्ट। तो ये जो अपना एक्स टेस्ट है ये फीचर स्केल हो जाएगा और सारे जो फीचर्स हैं वो स्केल डाउन हो जाएंगे। तो फिर उसको अपन क्या किस में पास करेंगे, रिग्रेसर डॉट प्रिडिक्ट में। तो अब हमने जो मॉडल किया था उस हिसाब से जो थे हमारे वो स्केल्ड फीचर थे जिनके बेस पे हमने ट्रेन किया था, इसलिए मैंने प्रिडिक्शन में भी स्केल फीचर पास किया। अब जब ये प्रिडिक्ट करके हमको रिटर्न करेगा तो हमें स्केल आउटपुट ही प्रिडिक्ट करके देगा, जबकि हमें स्केल्ड आउटपुट तो नहीं चाहिए, हमें ओरिजिनल आउटपुट चाहिए। तो अपन क्या लिखेंगे, एस सी वाई डॉट इनवर्स ट्रांसफॉर्म। इन्वर्स ट्रांसफॉर्म से क्या होगा, जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। जो हमें जो आउटपुट आ रहा है वो ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, उसको हमने स्टोर करा लिया वाई प्रेड में, ठीक। प्रिडिक्शन करना आ गई। अब एन पी डॉट, ये आपको करना नेसेसरी नहीं है, ये तो मैंने केवल आपको रिजल्ट दिखाने के लिए कर दिया है ऐसा। मैंने लिखा है एन पी डॉट सेट प्रिंट ऑप्शन प्रिजन इक्वल्स टू टू। इससे जो नंपाई में प्रिजन है अपने आउटपुट फॉर्मेट का, उसका जो प्रिजन है वो ये दो सेट कर देगा। फिर मैंने लिखा एन पी डॉट कॉन्केट, और कॉन्केट मैंने क्या कराया, जो हमारा वाई प्रेड है, जो हमारा वाई प्रेड में प्रिडिक्शन का रिजल्ट आ गया वो उसका रीशेप कर दिया लैन वाई प्रेड कॉमा वन, और वाई टेस्ट मतलब जो हमारा ओरिजिनल आउटपुट है वो। तो मैंने जो ओरिजिनल आउटपुट है उसको कॉन्केट करा दिया अपने प्रिडिक्शन वाले आउटपुट से, जिससे हमें आसानी हो जाएगी देखने को। तो ये जो आप देख रहे हो ये हमारा प्रिडिक्शन वाला आउटपुट है 434.05, और ये हमारा ओरिजिनल आउटपुट है 431। ऐसे ये 457 जो है वो प्रिडिक्शन वाला है और 460 ओरिजिनल है। सो ये हमने करा दिया। अब अगर अपन को मॉडल की अपनी परफॉर्मेंस इवेल्युएट करानी है तो अपन क्या करते हैं, फ्रॉम एसक्यूएल डॉट मीट्रिक्स इम्पोर्ट आर टू अंडरस्कोर स्क्वायर। अब जब आर टू स्क्वायर में मैं वाई टेस्ट एंड वाई प्रेड पास करूँगा तो इसने मुझे स्कोर दे दिया 0.9480, मतलब जो आर स्क्वायर स्कोर है वो 94% है हमारे इस मॉडल का। तो ये जो मॉडल है वो काफ़ी अच्छा वर्क किया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन इन पाइथन।